अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्मार्ट रियल इस्टेट लाहौर। मैं राशिद बोल रहा हूँ। 03024445 मेरा नंबर है। मैं इस वक्त लिबर्टी लैंड हाउसिंग स्कीम जिया बग्गा मेन रोड के ऊपर हूँ। इसकी डेवलपमेंट जारी है, मेन बुलेवार्ड बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये मेन बुलेवार्ड स्ट्रेट आगे कंटिन्यू होगा और मैं आपको दिखाऊँ जिया बग्गा विलेज के बिल्कुल करीब ये जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर राउंड अबाउट बनेगा। और इसके अलावा इस साइड पे जो स्मेल्टर आपको नज़र आएंगे, ये वाला एरिया स्मेल्टर जो भट्टे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारा एरिया इनके पास है। लैंड इनके पास है, डेवलपमेंट फुल स्विंग में इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अभी मेरी ये जो इंजीनियर्स खड़े हुए हैं इनसे बात हुई है, ये कह रहे हैं कि ये वाली जो ज़मीन है मेन के ऊपर, यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कैंप होगा 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन में, जब भी इसका पोजीशन इनको मिलता है तो यहाँ पे ये पूरा इनका डेवलपमेंट कैंप यहाँ पे लगेगा। कंटेनर्स लगेंगे और पूरी मुकम्मल टीम इन्होंने हायर की है कि इसको 2-2.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को इन्होंने डिलीवर करना है। ये तो ये जो ऑन साइट इंजीनियर्स हैं वो बता रहे हैं। मशीनरी आपके सामने है, बोर्ड लग चुका है और डिवेलपमेंट का यहाँ पर आगाज़ है। अब बात की जाए इसके रेट्स की, जब ये लॉन्च हुआ था तो 28 लाख तक इसका 5.5 मरला कमर्शियल गया, आज वो 4.5 लाख ऑन पे है और 7 लाख रुपए पे 2 मरला कमर्शियल गया, आज वो 50,000 लॉस पे है। और 32 लाख की 5 मरला रेजिडेंशियल जो फाइल थी वो 4.5 लाख ऑन पे थी, आज वो 2 लाख ऑन पे मिल रही है। और जो नई बुकिंग थी वो 1.5 लाख ऑन पे गई, आज वो 1.5 लाख लॉस पे है, उसकी 37.5 लाख की बुकिंग थी। अब बात ये है कि अगर ये एरिया यहाँ पे डेवलप हो और उसका पोजेशन प्लॉट का रेट क्या होना चाहिए, जो मेरी अपनी असेसमेंट है इस एरिए को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ पार्क एवेन्यू है जहाँ पे 55-60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। इसके ऑपोजिट लेक सिटी का M8 है जहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 70-75 लाख रुपए का है। और अगर ये एरिया डेवलप होता है जिस जगह पे ये फॉल कर रहा है, ये मेन पे तो कमर्शियल्स होंगे, पीछे जाके आपको 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ अगर इंस्टॉलमेंट के चार्म पे अगर आप प्लॉट 32 लाख वाला ख़रीदें तो वो इस वक्त 34-35 लाख रुपए की वर्थ करता है। और अगर 2 साल बाद यही प्लॉट पोजेशन में आए तो ये प्लॉट 45 लाख रुपए का वर्थ करता है। तो ये सीधा सीधा 10 लाख रुपए का मार्जिन है। 2-2.5 साल आपको वेट करना होगा। अगर कुछ दोस्त 4.5 लाख रुपए ऑन वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12-15 लाख ऑन चला जाएगा, वो भी गलत बात है। और अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 32 लाख से नीचे आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये इसका एक स्टैंडर्ड रेट है, मेरी अपनी असेसमेंट है ऑन ग्राउंड सिचुएशन को फील करते हुए। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट तक प्लॉट 35 माइनस प्लस होना चाहिए और आफ्टर पोजेशन के आप घर बना लें तो 45 लाख माइनस प्लस यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट होना चाहिए। बाकी जो कमर्शियल है, कमर्शियल की जो एक्चुअल प्राइस है, अगर मेन बुलेवार्ड या बैक पे 2.5 मरला जो कमर्शियल है उस पर भी मुनासिब आफ्टर पोजेशन 5-7 लाख ऑन होना चाहिए। और जो इसका 5.5 मरला मेन पे कमर्शियल आएगा उसका मैक्सिमम इसकी बुकिंग प्राइस के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए इसकी वर्थ होनी चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें कैलकुलेटिव आपके सामने हैं, डेवलपमेंट आपके सामने है। अभी इसको 6 माह हुए हैं, चूँकि इन्होंने 6-8 माह डिले किया है अपने डेवलपमेंट वर्क को, जिसकी वजह से दूसरी सोसाइटीज़ भी फ़ायदा उठा गई। इसमें जैतून लाइफस्टाइल, उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की और अपने प्रोजेक्ट को बेच दिया, उन्होंने उनकी लोकेशन भी इनसे आगे है, लेकिन चूंकि इनकी भी डेवलपमेंट बड़े स्केल पे होनी है, इसको टाइम लगेगा 2-2.5 साल, उसके बाद आपकी जो ऑन आपने पे किया हुआ है अब वो रिकवर होगा, उसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट होगा। अभी जो पैनिक सेलर हैं वो सेल कर सकते हैं और आप अपने जो हाई प्राइस पे बाइंग है उसके लिए आपको कम से कम 1.5 साल या 1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा ये सारी डेवलपमेंट देखते हुए। और ये जिया बग्गा रोड यहाँ से बिल्कुल साथ आगे, जिया बग्गा रोड से आप राइट हो तो अराइयाँ विलेज को अप्रोच कर सकते हैं। और
एक टाइम आएगा जो लेक सिटी का ऑल्टरनेट रूट चनार बाग से होता हुआ ऑर्चर्ड में जाएगा, वो भी इससे बिल्कुल करीब होगा। और ये सारी सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करीब तरीन जो है जो सोसाइटीज़ हैं उनका अगर कंपैरेटिव हम व्यू लें, तो यहाँ पे 5 मरला नॉन डेवलप इंस्टॉलमेंट पे 34 से 35 लाख का वर्थ करता है, और आफ्टर पोजेशन यहाँ पे 45 लाख रुपए का प्लॉट वर्थ करता है। और जिन्होंने पोजेशन तक रखना है तो वो ये एक्सपेक्ट कर लें 10 लाख 15 लाख फ़ायदा हो सकता है, और जो निकलना चाहते हैं तो अभी ये टाइम है, इसी टाइम पे इसी प्राइस पे इसने ट्रेड ऊपर नीचे होना है। और बाकी जो सट्टा माफिया है और वो फाइलें उठा ली मर्ज कर लीं, पहले लोग बेचते हैं बाद पे सट्टा माफिया पे फेंक देते हैं, आप ऑन ग्राउंड विज़िट करें, ठीक है, आप अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें, देखें यहाँ पे सराउंडिंग में क्या रेट्स हैं, यहाँ पे ओवरऑल जगह की वर्थ क्या है, उस हिसाब से आप पे करें। देखें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, DHFA 7 की 80 लाख रुपए की फ़ाइल थी, उसकी बैलेट हुई नाले की दूसरी साइड पे, लोकेशन चली गई, आज 55 लाख की फ़ाइल है। अगर DHA का भी कोई फेज़ यहाँ पे फॉल करता वो भी 40-45 से ज़्यादा वर्थ नहीं करता, तो आप शुरू में ऑन दे देते हैं, उसके बाद वो ऑन डेफिनेटली उसको ऑन कर कोई नहीं करता, नीचे आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। लिहाजा जैसे इन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ज़रा ठंडा करके खाएं, हर नए दिन के साथ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अपनी हार्ड अर्न मनी को सोच समझ के इस्तेमाल करें, और ये सोच के लें कि इसको 2-3 साल लगेंगे। इंस्टॉलमेंट वाला जो प्लान है वो कभी भी आपको मिड में प्रॉफिट नहीं देता, या एंड में प्रॉफिट देता है, या शुरू में आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं। तो ये एक कंप्लीट डिटेल इसकी थी लिबर्टी लैंड्स की। मज़ीद इसकी सेल परचेज़ के लिए आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। और ये सामने जो जगह है ये भी ये जो इंजीनियर्स बता रहे हैं हमने बाय कर ली है, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट कैंप आएगा, और बाकी सारी सिचुएशन आपके सामने है। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, आप जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदें मशवरा करें, हम आपको इंशाल्लाह ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है 5 मरला जो है वो 34-35 वर्थ करता है, और आफ्टर पोजेशन 45 लाख रुपए। मज़ीद आगे जितना होल्ड करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।